मऊ शहर के शहादतपुरा इलाके में स्थित शारदा नारायण हॉस्पिटल को 21 अप्रैल को कोविड अस्पताल के रूप में बनाया गया था। अस्पताल में 1,700 कोरोना पॉजिटिव मरीजों के इलाज की क्षमता है। ज्यादा मरीजों के होने से आती हैं और भी ज्यादा जिम्मेदारियां। यहां डॉक्टर्स और नर्स 24 घंटे कार्यरत हैं। मरीजों के इलाज के साथ साथ योगा और मानसिक रूप से भी स्वस्थ करने के लिए उनकी काउंसलिंग भी की जा रही है। अस्पताल में कोरोना से बिना डरे कर्मचारी डॉक्टर्स व नर्सें लगातार अपनी सेवाएं दे रहे हैं। ऊपर से कुछ कर्मचारियों ने रोजे भी रखे हैं, बावजूद इसके लोगों की जान बचाने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ना चाहते। उनका मानना है कि रमजान के पावन महीने में सेवा करने से अल्लाह नेकी प्रदान करेंगे। वहीं अस्पताल में ठीक होने वाले मरीजों की संख्या काफी ज्यादा है। मरीज ठीक होने के बाद कर्मचारी और डॉक्टर्स का धन्यवाद करते नहीं थक रहे हैं। ठीक होने के बाद मरीजों के खिले चेहरे देखकर अस्पताल में कार्यरत डॉक्टर्स और कर्मचारी उत्साह से लबरेज हो जा रहे हैं। उच्च स्तरीय सुविधा से लैस इस अस्पताल में मरीजों का इलाज कर रहे डॉक्टर संजय सिंह और डॉक्टर सुजीत सिंह ने बताया कि दवाओं के साथ अच्छी देखभाल और खुशनुमा माहौल बनाकर मरीजों का इलाज किया जा रहा है, जिससे मरीजों की रिकवरी काफी तेज हो रही है। शारदा नारायण हॉस्पिटल में इसमें जो कोविड हॉस्पिटल की तरह है, इसमें तमाम ऐसे मरीज आ रहे हैं जो कि सारे बहुत से मरीज जो कोरोना संक्रमित हैं और उनको हम लोगों ने कोशिश कर रहे हैं कि उनको एक अच्छा से उनकी तनाव मुक्त करके उनकी दवा के साथ साथ उनको एक देखा गया कि जिनका विल पावर स्ट्रांग रह रहा है, जिनके में प्रतिरोधक लड़ने की क्षमता रह रही है, उन मरीजों में सुधार अधिक आ रहा है। इसको देखते हुए हम लोगों ने सुबह शाम एक हमारे अस्पताल में और हमारी नर्सेज और जो कि आईसीयू में ड्यूटी कर रही हैं, मरीजन के परिजनों को और मरीजों को भी कुछ योगा के माध्यम से और कुछ उसको एक्सरसाइज के माध्यम से, संगीत के माध्यम से उनको ठीक करने का प्रयास कर रहे हैं। और देख रहे हैं कि आप हमारे बहुत से ऐसे मरीज हैं जो कि बाईपैप वेंटिलेटर पर हैं, वो भी एक्सरसाइज करके और मरीजों में अपने आप को सुधार महसूस